नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के बिंदाल पुल पर। स्वागत है आपका न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में। जैसा आप सभी को पता है कि इस साल गणेश चतुर्थी 31 तारीख को मनाई जा रही है, तो इसी के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे जो नज़ारे देख रहे हैं वो गणेश जी के हैं। इसी को लेकर आज हम यहीं के दुकानदारों से चर्चा करेंगे कि इस साल उनकी कैसी कमाई हो रही है, किस तरह से ये बनाते हैं और ये मूर्तियाँ कहाँ से आई जाती है। तो चलिए हम यहीं के मैडम से बातचीत करते हैं। आपका नाम? खुशबू प्रजापति। आप कहाँ पर रहते हो? हम यहीं रहते हैं देहरादून से। देहरादून से, ठीक है। तो ये जो आपके मैदान मूर्तियाँ देख रही है, आप खुद से डिज़ाइन करते हो? हाँ जी, खुद से ही। हाँ, खुद हम मतलब डेकोरेशन वगैरह और जो मतलब उनके कपड़े वगैरह हैं वो खुद से ही डेकोरेट करते हैं। जैसे आपको पता था, अभी पिछले कोरोना गया, अभी जो पिछले 2 साल से तो कोरोना काल में भी इतना था हमारा पूरा देश, तो उस 2 साल के आपके जो कमाई है किस तरह से बनाया, किस तरह से हुई? लास्ट टाइम तो इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था क्योंकि कोविड का टाइम था, तो फिर इतने जो थे मतलब कस्टमर्स नहीं आ पाए। लेकिन अब कोविड नहीं है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि क्या पता कस्टमर्स आए और सेल हो। तो अभी तक कितने दिन हुए आपको दुकान को लगाए हुए? हमें 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अभी 1 मंथ से लगा रहे हैं? हाँ, 1 मंथ के अंदर तो आपकी बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी, 60% हमारी जो है मूर्तियाँ वो हमारी बुक्ड हो चुकी है। बुक्ड हो? अच्छा, यहाँ के आपसे बुक भी करवाया जाता है? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताइए मैम कि सबसे अच्छी और सबसे जिसमें ज़्यादा आपको टाइम लगा वो कौन सा मूर्ति है? बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है उनमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि ये वाली मूर्ति आप देख सकते हैं, इसमें जो स्टोन वर्क का वर्क करते हैं पूरा यहाँ। कैमरामैन प्लीज, मैं चाहूँगी आपसे आ जाइए। इसमें जो हमें ये कपड़े बनाते हैं तो ये भी इसकी धोती बनाने में बहुत टाइम लगता है हमें, और ये एक एक पीस बड़े एक एक पीस लगाना पड़ता है बड़े ध्यान से। इसमें स्टोन वर्क पूरा स्टोन वर्क आ रखा है इसमें, उस वाली में भी हमने ड्रेसअप कर रखा है। तो ये आप खुद से मतलब? हाँ। एक मूर्ति बनाने के लिए कितने लोग आते हैं इसमें? ये हमारे साथ हम 2-3 लोग हैं वो हम करते हैं सब साथ। तो आपको एक मूर्ति में कम से कम महीने लग जाते होंगे? ये हम बाहर से लेकर आते हैं तो हम रेडीमेड लेकर आते हैं। अच्छा, तो हम डेकोरेट और उनको जो कपड़े वगैरह वो हम खुद से ही तैयार करते हैं। अच्छा, जो आप बाहर से लेकर आते हैं वो कौन सी जगह से लेकर आते हैं? बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, मेरठ, ये अलग अलग जगह वहाँ से आप लाते हो? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर आप खुद से डिज़ाइन करते हैं? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी आंटी, नमस्कार। नमस्कार बेटा। जैसे मैं देख रही हूँ आपके आसपास कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं गणेश की। हाँ। तो ये गणेश की जो मूर्तियाँ कैसे बनाते हो? ये खुद बनाते हैं, रबर लाते हैं, फर्मे बनाते हैं, डाई बनाते हैं, फिर उसको वो लाते हैं प्लास्टिक पेरिस लाते हैं, फिर बनाना पड़ता है, फिर उसको आर्डर होल में बनाना पड़ता है, पड़ता है फिर उसको रंग भरना पड़ता है। खुद ही करते? हाँ, सारा हम ही कुछ करते हैं, जरी पहनाते हैं, गहना पहनाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। जो दुकान है हर साल यहीं पे लगती? हाँ, हर साल यहीं लगती है। और जो अभी कोरोना गया पिछले साल, हाँ, पिछले साल से लेकर इस साल किस तरह से कमाई हो रही है आपकी? बस कमाई में तो देखो बहुत महंगाई चल रही है, लॉकडाउन में तो लगाने नहीं थी लेकिन अब लगा रहे हैं, क्या करें। जब आप लगा रहे हो तो सुनने में आएगा पुलिस वाले आपको भगा रहे हैं यहाँ से? अब हम क्या कर सकते हैं, इतना कहेंगे तो कुछ मेरे को कुछ कर नहीं लेंगे, डर लगती है पुलिस वाले से। कोई बात नहीं है, मतलब आप हर साल तो लगाते? हर साल ही लगाते हम लोग। तो इसी साल पुलिस ने भगा रहे हैं कि हर साल भगाते? हर साल भगाते, हर साल भगाते आपको? लगाने नहीं देते, ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो हो जाता है, मगर फिर भी लगा ही लेते, कैसे भी करके अपना काम चला ही लेते हैं। कितना दिन हो गया अभी दुकान को लगाए हुए आपने? अभी तो 2-3 दिन हुए। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो जाते पूछ के चले जाते, मगर जब जो गणपति की 31 तारीख की है ना, जब भी कोई काम चलेगा उससे एक दो दिन। आप कहाँ से आए हो? हम तो यहाँ से डोई वाले से। अच्छा, कोई यहाँ के यहाँ देहरादून। तो ये जो मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग घर पे ही बनाते हो? घर से ही सब, मतलब खुद से हाथ से? हाँ, खुद हाथ से, पैर प्लास्टिक से बनती है, PUP से। तो भैया आज हमारे साथ आप मौजूद हो, तो भैया बताइए कि जो मूर्ति आप बना रहे हो किस तरह से बनाते हो, कितना टाइम लगता है इसमें? एक मूर्ति को डेकोरेशन करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे मतलब वो मूर्ति के ऊपर डिपेंड है कितनी? हाँ, बड़ी मूर्ति वो मूर्ति पे डिपेंड है। इस मूर्ति के लिए 2 घंटे लेंगे, 2 फीट की मूर्ति है जी, इसमें 2 घंटे लगेंगे पूरे। तो आप खुद से ही डिजाइन कर रहे हैं? खुद से ही बना रहे हैं? खुद से ही डिजाइन कर रहे हैं जी। तो ये मूर्ति आप तो बाहर से लाते हो कोलकाता से, तो बाकी जो आप मूर्तियां वगैरह लगा रहे हो खुद से लगा रहे हो? हां, खुद से लगा रहे हैं। क्या क्या लगाया भाई अभी तक आपने, जरा बताएंगे हमें? ये टर्बन हो गई, ये धोती हो गई जी, ये ज्वेलरी हो गई, अभी धोती बन रही है जी। तो अभी इसमें लगेंगे 1-2 घंटे और? अभी 2 घंटे लगेंगे इसमें ठीक
ठीक है, तो इस साल आपकी जो कमाई हो रही है ये मूर्तियों से कि कैसे हो रहा है? पिछले बार तो कोरोना था, इस साल किस तरह से देख रहे हैं आप अपनी कमाई को? पिछली बार तो ठीक था, इस साल कुछ नहीं है। पिछली बार जब भी कोरोना था तो आपको प्रॉफिट हो रहा था, इस साल थोड़ा लॉस हो रहा है। तो कितने टाइम से आपने दुकान लगाई है बाहर? हम तो एक महीने से बैठे हैं बाहर। एक महीने से बाहर बैठे हैं, ठीक है। और सुनने में ये आया कि बाहर जो पुलिस है वो भगा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा क्यों? ये तो रोड पे लगाने नहीं दे रहे हो, क्या वजह हो सकती है? बस क्या बताएं, क्या वजह हो सकती है, जगह नहीं है रोड पे। अच्छा अच्छा, और लगाते हैं तो वो आ जाते हैं, ट्रैफिक का थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है, तीन चार दिन का तो प्रॉब्लम होता ही है ट्रैफिक का। तो हर साल भगाते हैं कि इसी साल हो रहा है? नहीं, हर साल होता है प्रॉब्लम। अच्छा, हर साल होता है। बहुत ही अच्छी कर रहे हैं भाई आप, बहुत ही अच्छा सजा रहे। देखो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सजाया अभी। और बाहर जितनी मूर्तियां लगी वो सब आपने ही सजाया? तो जैसा आपने देखा कि मैं मौजूद थी बिंदाल पुल पर, मेरे पीछे तस्वीरें जो देख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर गणेश की तस्वीरें हैं। ये जो बेच रहे हैं, जो बेचने वाले हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये उन्होंने खुद से ही बनाया है, खुद से ही सजाया जाता है इसे। ये मूर्तियां बाहर से लेके आते हैं लेकिन जो खुद से सजाते हैं बहुत ही सुंदर सजाया है। तो हमें देखना होगा कि इस साल की कैसी कमाई हो रही है, कितना इनको लॉस हो रहा है, कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। मैं नंदनी करूँ, धन्यवाद।